के अधीन है, लगाए गए तुरंत को अनिवार्य रूप से जांच से सब टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर को रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6,47,00,000 तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42,00,000 से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 सरकार ने कहा था कि चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जासूसी के आरोपों की जांच के लिए फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गुजरात के नवीन कुमार चौधरी जी हैं, अनिल गोस्ते जी हैं आईआईटी बॉम्बे से जो साइबर एक्सपर्ट हैं, और प्रभा अरन पीठ है जो कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं। बेसिकली नेहा जी, इसमें जो खास बात आज सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करी है वो उन्होंने ये बोला है कि प्रमा फसाइली, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, या आप बोले कि ऐसा प्रतीत होता है कि राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 के अंदर हमें अधिकार मिला हुआ है उसका कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है। अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है क्योंकि कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी जो फाइंडिंग देगी उसके बाद ही किसी ना किसी फाइनल कंक्लूजन के ऊपर कोर्ट पहुंचेगा, जिसके लिए कि कमेटी को 8 वीक्स का टाइम दिया गया है। ठीक है प्रदीप जी, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक वक्त दिया गया कमेटी को। लेकिन आरके मिश्रा साहब, कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के स्टैंड को कितना बड़ा धक्का लगा है। मेरे से मिश्रा साहब जी, मैं सबसे पहले नेहा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अदालत का जो निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय है। अब इससे एक चीज स्पष्ट हो गया है कि हमने शपथ पत्र में हम लोगों ने जिस तरह से मांग की थी वो चीज बिल्कुल अदालत ने उस चीज को स्वीकार किया है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से मानसून सत्र के एक दिन पहले का ये विषय था और जो इसके ऊपर में सरकार से स्पष्टीकरण की जरूरत थी, वहां पर जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया और अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्टर थे उनके हाथ से जब वो वक्तव्य दे रहे थे उनके हाथ से वो वक्तव्य को छीन करके और बीच सदन में सदन की गरिमा को तार तार करने की कोशिश की गई, उस वक्तव्य को फाड़ करके सदन के पटल पर फेंका गया, ये बहुत बड़ा, इस चीज को देखने की जरूरत है, देश की जनता को देखने की जरूरत है। जो 19 दिन का जो सत्र जहां पर जन समस्याओं को लेकर के
किस तरह के पेगासिस का जो मामला था वहां पर स्पष्टीकरण की जरूरत थी, वहां पर स्पष्टीकरण सरकार को बिल्कुल मौका नहीं दिया गया जो वहां पर वो स्पष्टीकरण दे और वहां पर उस तरह के वक्तव्य को पार करके संसद की गरिमा को तार-तार किया गया। पहली बात, न्यायालय ने जिस तरह से फैसला दिया है निश्चित तौर पर ये शिरोधार्य है और सचमुच में अब दूध का दूध और पानी का पानी होने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। जहां तक बात है कुछ ऐसे फॉल्स नैरेटिव जिस तरह से वहां पर एक चोट किए जा रहे थे वहां पे पूरे देश के अंदर, आपने देखा होगा जो देश के दुश्मन हमारे ऊपर किस तरह से गिद्ध की नजर रखे हुए हैं, वहां पर विपक्षियों ने जिस तरह से एक उस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश की, पेगासिस के मामले को जिस तरह से पाकिस्तान ने खुद भी कहा कोट करने की कोशिश करी उसने, क्योंकि हमारी जासूसी एक एक नंबर कोई ऐसा था जिसमें इमरान खान पहले भी इस चीज को शायद नंबर को यूज किए हुआ था और उस मुद्दे खुद का क्योंकि भारत हमारी जासूसी करा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है आप देश की सुरक्षा के साथ देश की जनता के साथ कभी खड़े नहीं होते, आपको अपने स्पष्टीकरण लेना ही था तो सरकार को आप मौका देते वहां पे और जिस तरह से संसद की गरिमा को तार तार करने की आपने कोशिश की पुलिस दिन के सत्र को जिस तरह से आप ही लोग कह रहे थे कि अगर ऐसा है सरकार आपकी बात नहीं मान रही जाइए कोर्ट जाइए, अब कोर्ट गए हैं तब भी आपको दिक्कत है। अजय उपाध्याय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आप लोगों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्टैंप लगा दी है, कैसे इसे देखते हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? अजय जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पाया जी। आप कुछ कहना चाहते थे मिश्रा साहब, बोलिए जी। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, ऐसा है देखिए, कांग्रेस या कोई विपक्षी दल कोर्ट नहीं गया था, ये कांग्रेस और विपक्षी दलों की जीत नहीं थी। हमने अपने शपथ पत्र में बिल्कुल कहा जो जिस तरह से फॉल्स नैरेटिव ये प्लॉट हो रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस देश को बदनाम करने की कोशिश जा रही है। सर मामला पहुंचा ना कोर्ट, मामला पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये नौबती क्यों आई? सरकार को नेहा जी, सरकार को आप स्पष्टीकरण देने के लिए आप मौका तो देंगे या नहीं देंगे आप? जब हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर वहां पर जब वक्तव्य दे रहे थे तो हाथ से पेपर फाड़ करके किस सदन पर फेंक दिया, क्या ये देश ने नहीं देखा, क्या ये देश की जनता ने नहीं देखा? आपने अगर कोई प्रश्न किया है तो हमें स्पष्टीकरण का मौका तो दें। बिल्कुल, स्पष्टीकरण का मौका तो दे जो विपक्ष ने नहीं दिया। ठीक है प्रदीप जी, अब क्योंकि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कि इस पेगासस मामले पर, इस पूरे मामले पर जांच करेगी, क्या चुनौतियां रहेगी अब इस कमेटी के सामने? नेहा जी, एक जॉर्ज ऑरविल की बुक होती है 1984 में वो बुक पब्लिश हुई थी और उसके अंदर इसी के बारे में बताया था कि किस तरह से अगर कोई सीक्रेट रखना है तो एक उनका एक सेंटेंस जो शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी यूज किया है वो मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा है उस अपनी बुक में, जॉर्ज ऑरविल ने, इफ यू वांट ए सीक्रेट यू मस्ट हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। मतलब कि आपका सीक्रेट अगर आप कोई है तो उसको इस तरह रखें आप अपने पास कि आपके पास भी नहीं है वो। साथ में कोर्ट ने ये कहा है कि जो सिटीजन्स की प्राइवेसी है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत हर सिटीजन को, नागरिक को दी गई है, वो प्राइम इंपॉर्टेंस की है। इसके बाद ये नहीं कि उसको अगर इतनी स्वतंत्रता मिल जाए प्राइवेसी के आर्टिकल के मध्यस्थ में कि वो कुछ भी कर ले, तो इसको देखते हुए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस इसके ऊपर लगे हुए। चुनौतियों का जिक्र करिए, चुनौतियां क्या है आपको कमेटी के सामने? नेहा जी, कमेटी के सामने बेसिकली जो मेन चुनौतियां हैं वो एक तीन चार क्वेश्चंस थे जो कोर्ट के सामने जो दूसरे वकील थे उन्होंने पेश किए अपने। उन्होंने सबसे पहले जो अपना आर्गुमेंट रखा था वो ये रखा था कि सबसे पहले सरकार इस बात का बताए कि उन्होंने इस पेगासस को खरीदा या नहीं खरीदा। अगर इसको खरीदा तो क्या इसका यूज उन्होंने लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर किया या नहीं किया। साथ ही में उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हमने ये पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है इसको खरीदा हुआ है तो आगे फिर कमेटी के गठन करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर
खरीदा है तो उसका फिर कहां पर और कैसे यूज किया गया है? सर कितने दिनों में ये रिपोर्ट सौंपनी है और क्या मुश्किलें आ सकती है कमेटी के सामने? कौन कौन से ऐसे बिंदु रहेंगे जिस पर फोकस करने की जरूरत है? नेहा जी, एक सबसे बड़ा बिंदु तो ये रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो जिन जिन लोगों का जो इसमें पेटिशनर्स भी थे और एक लिस्ट है, एक वायर ने शायद जुलाई में 19 जुलाई के आसपास एक लेख लिखा था, एक लेख लिखा था इस बारे में, और वहां से ये एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू हुआ था। वायर के अलावा व्हाट्सएप ने भी एक उसमें भी लेख था कि उसकी खुद की भी प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, वहां से ये प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू हुई थी। और उसमें एक लिस्ट दी गई थी जिसमें कि देश के काफी सारे नागरिकों के बारे में बोला गया था कि इन इन लोगों के फोन्स को टैपिंग करी जा रही है, उनके उनका डाटा को स्टील किया जा रहा है, उनके ऊपर चेक रखा जा रहा है। वहां से एक्चुअली ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था। अब उन्होंने कोर्ट ने इसके बारे में बाद में सरकार को ये कहा था कि आप एक एफिडेविट इसमें सबमिट करें। कोर्ट गवर्नमेंट ने एक अपना एफिडेविट सबमिट किया था कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट ने उसको ये कहा कि ये जो फेयर और रीजनेबल नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है जो उनके चाहिए थी इंफॉर्मेशन। ये गठन जो करेगी नेहा जी, बेसिकली जो ये सॉफ्टवेयर है ये विदेशी सॉफ्टवेयर है, इसराइल बेस्ड है, और सरकार के पास ही इसका सारा डाटा खरीदा या नहीं खरीदा, उस तरह के सारे सरकार के पास ही पूरा डेटा ही रहता है, लेकिन वो डेटा अब कमेटी के पास कैसे आएगा, ये एक बड़ी चुनौती कमेटी के सामने मेरे ख्याल से होगी। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। शाही पनीर ऑर्डर कर, मैं बनाती हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। दरअसल बात आज पेगासस विषय पर हो रखी है, और ऐसे में सीधे रुक कर लेते हैं अजय उपाध्याय जी का। अजय जी, आप सवाल इस बात को लेकर है, जो चीजें आप लगातार मांग कर रहे थे, विपक्ष जो लगातार मांग कर रहा था, उसी मांग पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, इसे कैसे देखते हैं, आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पूरा विश्वास है, भरोसा है, जिस तरह से कमेटी बनाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट कर रही है, कम से कम सच जो है सामने आएगा। सरकार तो सच को लगातार झूठला रही है, और कहीं ना कहीं सरकार जो है कोई ऐसी इलीगल काम जरूर इस पूरे प्रोसेस में की है, जिसको वो छुपाने के कारण कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहती थी, और बार बार कोर्ट के निर्देश देता रहा। और हम लोगों ने भी पार्लियामेंट में इस बात को उठाया, तो सरकार को लगा कि पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास की। हमने बार बार पूछा कि क्या ये पेगासस सॉफ्टवेयर आपने खरीदा है तो किसकी अनुमति से खरीदा है, किस पर इसका उपयोग या दुरुपयोग किया है, और यदि ऐसा है या नहीं इसका आप जवाब दे दीजिए। इसके लिए सरकार ने पूरे पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, निरंतर इस प्रश्न का उत्तर न देना पड़े इसके लिए उसने ऑब्जेक्शन और सारी चीजें लगाई। सबने देखा, हमको सड़क से लेकर के और संसद तक हमारे नेताओं ने लगातार आवाज उठाई। आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि कम से कम इस पर एक कमेटी गठित की है। लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं कामकाज नहीं होने दिया, आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि कामकाज नहीं होने दिया संसद में, पूरा संसद का सत्र खराब कर दिया। अब तो ये तो नेहा जी सबने देखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न, जिस प्रश्न पर आज बात हो रही है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं शर्मा जी, उनका भी मैंने पूरी डिटेल सुनी है मैंने, ये तो सरकार अब तो क्लियर हो गया कटघरे में कि पार्लियामेंट को भी कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया। यदि शुरू में इसका जवाब आ गया होता तो पार्लियामेंट को इतना लंबा ठप नहीं करना पड़ता। सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई भी जनतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो सही से चले। इस पेगासस पे जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप है, जिस तरह ये कहना पड़ेगा, और मैं प्रश्न पूछूंगा कि क्या प्रधानमंत्री जी को इस जो जितने ये पेगासस के माध्यम से जो स्पाई हुआ है, जो लोगों के निजता का जो चीजें टेप की गई है, क्या वो प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा है, गृह मंत्री जी के पास पहुंचा है? उसमें बात आ रही है कि चुनाव आयोग से लेकर के मुख्यमंत्रियों तक, यहाँ तक इनके मंत्रियों तक की बात है, तो इस पर क्लियर एक जांच होनी चाहिए। और जेपीसी की मांग भी हम लोग कर रहे थे पार्लियामेंट में, वो भी मांग हमारा अभी भी
जारी रहेगा। ठीक है मिश्रा जी, जवाब दीजिए जल्दी से। और भी मांग होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है अजय जी। देखिए हम अभी अगर सरकार में है तो हमने सालिम विपक्ष की भूमिका, जब हम विपक्ष में थे तभी भी हमने सालिम विपक्ष की भूमिका निभाई। अभी हम सरकार में है अभी भी हम सालिम अपनी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से संविधानहीन हो चुके हैं, इस तरह से अजय जी हमारे आप बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन कम से कम पार्टी को ये तो कम से कम समझने या देश को समझाने की कोशिश करिए। क्योंकि जिस तरह अपनी प्रेगनेंसी के मुद्दे के ऊपर में जब अश्विनी वैष्णव जी, जब मंत्री जी खुद वो वक्तव्य दे रहे तो किस तरह से उनके हाथ से वक्तव्य की कॉपी को फाड़ करके और सदन के पटल पर फेंक दिया था। ये देश को थोड़ा समझाए तो सही, पहली बात। दूसरी बात, ये आपकी जीत नहीं है, ये आप अगर न्यायालय की, न्यायालय में हमने एफिडेविट दिया था क्योंकि हमने ये कहा था कि ये क्या किया आपने। सर शीर्ष अदालत ने, मिश्रा जी शीर्ष अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर राज्य को हर बार, एक बार सुन लीजिए सर सुन लीजिए, हर बार राहत नहीं मिल सकती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर अहम जानकारी साझा नहीं कर रही है? को इस स्टैंड पर रुख दिखाया है, इसे आप किस तरह से देखेंगे मिश्रा जी? अब बिल्कुल सही बात है नेहा जी। देखिए कोर्ट ने ये भी माना है, ये कोर्ट ने ये भी माना है जो कि देश की सुरक्षा सबसे पहले बड़ी बात। हम किसी आतंकवादी को ये नहीं कह सकते जो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ये कोई चैनल का विषय नहीं है, ये कोई डिस्कस का विषय नहीं है यहाँ पे। ये क्यों नहीं बताते कोर्ट को, क्यों नहीं बताते कोर्ट को, बताइए। यही तो हम लोग भी पूछ रहे थे पार्लियामेंट में भी। जासूसी हुई है या नहीं हुई, यही स्पष्ट नहीं कर रहे आप लोग। किसी के तो पूछ रहे हैं, यही ठीक है, नहीं तो बात भाई, भाई किसी की जासूसी। लेकिन सदन के, लेकिन सदन में जब तक आप, एक मिनट, जहाँ पर विपक्ष की बात है वहाँ पर स्पष्टीकरण से ज्यादा उन हंगामे में विश्वास था सरकार को। स्पष्टीकरण तो आज तक आपने नहीं दिया, आपने वक्तव्य की कॉपी को फाड़ करके फेंक दिया। क्या ये संसद की गरिमा के अधीन था? क्या क्या आप लोग बिल्कुल संवेदनशील थे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी गठित कर दी है, इससे नहीं लग रहा मिश्रा जी आप लोगों को तकलीफ ज्यादा हो रही है? तकलीफ इतनी क्यों हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा क्या हमने कहा था जिस तरह से नैरेटिव को क्रॉस किया जा रहा है, फॉल्स नैरेटिव को, क्योंकि सरकार हर एक के निजी मामले के ऊपर में दखल कर रही है, उनकी जासूसी करा रही है। जो फॉल्स नैरेटिव क्रॉस हो रहा था विपक्षों द्वारा, इसको एक एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से इस तरह का एक बनाया जाए और उसी चीज को अदालत ने स्वीकार किया है। ये इसमें विपक्षियों का किस तरह से मैं समझ रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा जो कि व्यक्तिगत आपने जासूसी कराई, वहाँ पर हमने कोई एफिडेविट सबमिट नहीं किया, वहाँ पर बिल्कुल नहीं किया। जो अदालत को जो अच्छा लगा उन्होंने कहा उस चीज को, क्योंकि हाँ ठीक है इसमें एक केस बनता है, और उन्होंने वो दे दिया निर्णय उस चीज को, अदालत के निर्णय को, तो हम आत्मसात कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन विपक्षियों द्वारा इसकी जीत कहें, ये बिल्कुल कांग्रेस को न्यायालय में थोड़ी गई थी, अदालत में थोड़ी गई थी। ठीक है अजय जी, ये मौका बहुत अच्छा है और विपक्षी एकता का मौका है सर, कैसे इसे कैंपेन में बदला जाएगा? नहीं नहीं देखिए नेहा जी, मैं मानता हूँ कि ये विपक्षी एकता का या सत्ता का या विपक्ष का ये मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। जिस तरह से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे चुनाव आयोग से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार तक का, मुख्यमंत्रियों तक का, मंत्रियों तक का, विपक्ष के नेताओं तक का, पत्रकारों का, वरिष्ठ लोगों का, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के वकील वरिष्ठ बैठे हैं उनका भी हो रहा होगा, ये तो जांच का विषय है ना सर। जिस तरह से हाँ ये जांच का विषय है, लेकिन सरकार क्या की? नहीं नहीं सरकार क्या की, ये मानने को ही तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस पर कमिटी बैठाने की बात कर गई और ये सरकार अभी तक मानने को नहीं तैयार है कि हमने जो है ऐसा कुछ किया, और इस पर जो है पूरा सदन को कहीं ना कहीं न्यौछावर कर दी, पूरा जनतांत्रिक प्रक्रिया को इन्होंने न्यौछावर कर दिया और पूरी तरह से ये हठधर्मिता अभी भी अपनाए थे। यदि गलत नहीं, विपक्षी दलों को एकजुट किया जाएगा क्या इस विषय पर? हम निश्चित तौर पे विपक्ष भी एकजुट होगा, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे का मतलब पूरे जो पत्रकार समाज के लोगों पर भी प्रश्न लगाया गया है, उनके निजता का प्रश्न है और निजता से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा का भी इसमें प्रश्न है। जिस तरह से बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर इन लोगों ने किया है, अब किसका किसका किया है तो जांच का विषय है, लेकिन क्या ये होना चाहिए? चुनाव आयोग को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग आयुक्त का ऐसा कर लेते हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं सर, इसका जवाब हम लेंगे इस डिबेट में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है प्रदीप जी। सवाल सीधा मेरा आपसे है, सवाल ये कि कमेटी तो गठित कर दी है कोर्ट ने, लेकिन जानकारी तो सरकार के पास है। अब ये कितना मुश्किल होगा कि सरकार के पास से जानकारी जुटाना, और सरकार की तरफ से अगर नहीं दी गई तो फिर आगे क्या होगा? नेहा जी मुझसे क्वेश्चन है जी। नेहा जी एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि ये फोन टैपिंग का जो मामला है, ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फोन टैपिंग के मामले में पहले भी डायरेक्शन देती रही है, और पहले एक मेरे ख्याल में पुत्तू स्वामी की जजमेंट है इसी के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर, जिसमें फोन टैपिंग का मामला था या राइट टू प्राइवेसी का मामला था, उसके अंदर भी 10-12 गाइडलाइंस फोन टैपिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इस मैटर में मैं ये कहना चाहूंगा, अभी नेहा जी हम किसी कॉन्क्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि वाकई ही ऐसा कुछ हुआ है। अभी प्रमा फसाइली कोर्ट ने एक ओपिनियन लिया है कि ऐसा कुछ लग रहा है। कोर्ट कमेटी का जो गठन है, कमेटी के सामने कोर्ट सरकार अपना पक्ष भी रखेगी और दूसरे जो पेटिशनर्स हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद एक फाइंडिंग आएगी। ये तो रहा एक लीगल प्रोसीजर। आपका जो क्वेश्चन था कि कितना मुश्किल होगा कि सरकार से किसी तरह का डाटा लेना या नहीं लेना, ये कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी है। फर्क इतना ही है कि पहले सरकार ने भी प्रस्ताव एक ये दिया था कि हम एक कमेटी का गठन कर देते हैं और वो कर लेंगी, लेकिन एक सेटल लॉ है कि यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन केस, आप अपने केस का खुद जज नहीं हो सकते। शायद एक वो विषय को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जिससे कि कल को ये मुद्दा वंस एंड फॉर सेटल हो जाए। किसी तरह को किसी को ये कहने का ये ना मिले कि आपने सरकार को अलाउ कर दिया और सरकार ने अपने मनमाने लोगों को उस कमेटी का पार्ट बना दिया, और इससे कोई भी जो डिसीजन आया उसके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क ना कर सके। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज स्टेप लिया है बहुत अच्छा लिया है, जवाब देने में ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जैसे कि एक जो मेजर इसमें क्वेश्चन था, जो कोर्ट ने भी उसके ऊपर 3-4 बार डिस्कशन हुआ, वो कोर्ट ने ये पूछा कि जब 2019 में व्हाट्सएप ने कंप्लेंट किया था गवर्नमेंट को कि क्या कि उनकी फोन टेपिंग या उनका डाटा में इंटरफेरेंस हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए उस केस के अंदर। इसी तरह और भी काफी सारे क्वेश्चंस थे जो, और काफी सारे इश्यूज हैं जो कोर्ट के सामने अभी इशू है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सब देने के बाद एक कंक्लूजन आना बाकी है अभी। ठीक है, अभी ये बहुत जल्दी होगा हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक है मिश्रा जी, अब सवाल ये भी है क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रेस पर निगरानी का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। सवाल इस बात को लेके कि क्या सरकार को इसकी फिक्र है क्या? जब हम संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, वहाँ पर टूट ही सरकार की फिक्र होगी। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये सरकार बची है जनता द्वारा। अगर आप कहते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र को जिंदा रहना चाहिए, तो विपक्ष अपनी आवाज ना उठाए क्या? नहीं नहीं, अगर विपक्ष उठाता है तो आप ये कहते हैं कि जी हंगामा कर दिया? नहीं नहीं नहीं, विपक्ष मुद्दा उठाने के लिए कोई नहीं। कहाँ उठाए सर, कहाँ उठाए? मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, प्रॉपर चैनल के थ्रू आप सदन के पटल पर आकर के आप अपनी बात रखें और सरकार को मौका दें अपने स्पष्टीकरण का। आज मैं आप मेरे से कोई क्वेश्चन कर रही हैं और मैं हाथ में एक पेपर लेकर के आपको मैं वक्तव्य दे रहा हूँ, आप कोई आया और मेरे हाथ से फाड़ करके फेंक दिया, ये क्या लोकतंत्र बचाने की का तरीका है? ये संविधान बचाने का तरीका है? मैं अजय जी से यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या 2011 में आदरणीय ये प्रणब मुखर्जी जी का किस तरह से हुआ था, उनके उसमें कोई पद का कुछ ऐसा ही इस्तेमाल हुआ था वहाँ पे, क्या इनके सरकार में हुआ था? किस तरह का स्पष्टीकरण दिया गया था इनको? पहली बार जब आदरणीय ज्ञानी जल सिंह जी के टाइम में हुआ था ये मामला था,
राजीव गांधी के पटल के ऊपर में सरकार को आपने स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया। निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर जो आदरणीय जो बैठे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोई कमेटी गठित नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने एफिडेविट में भी यही कहा था। तो आप इस आगे जो आपको जो फ्रूट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आप लोगों ने स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया। अजय जी देखिए, दो बात है। पहले तो प्रदीप शर्मा जी ने बहुत एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनका बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, लगातार उनको सुनता भी हूँ। उन्होंने जो बातें कही है और वहां से एक कंक्लूजन का कहीं नहीं की पॉइंट गया है। टेपिंग और जासूसी दोनों दो चीजें मैं मानता हूँ, लीगल टर्म में और पॉलिटिकल टर्म में। टेपिंग करना सरकार का यदि राइट है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर पहले वो अधिकृत है, होम मिनिस्ट्री किसी न किसी से अनुमति लेती है, वो लीगल है। हाँ, वो सरकार ये भी करा रही है और पूरे पुरानी सरकारें भी कराई है और उस पर पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड उसका जवाब भी दिया कि हम टेपिंग कराते हैं अपने, यदि किसी मुद्दों पर है तो उसका एक प्रोसीजर है। ये सरकार भी लगभग कितनी टेपिंग कराई है और उसकी पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है। टेपिंग करना और जासूसी करना किसी सॉफ्टवेयर से, जिस सॉफ्टवेयर का पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विदेशों में एक इजराइल में मात्र पाया जाता है और जब तक उसको सरकार नहीं कर देगी तब तक वो माना नहीं। हम तो सिर्फ प्रश्न ये पूछ रहे थे कि क्या सरकार ने खरीदा, नहीं खरीदा तो दूसरा प्रश्न, एक खरीदा तो दूसरा प्रश्न था कि किसका किसका टेप जासूसी हुआ, सरकार खरीदा या नहीं इसी का जवाब आज तक नहीं दी। पार्लियामेंट बेशक न चले लेकिन ये एक उत्तर का जवाब यह सालों में नहीं दे पाई पार्लियामेंट। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना मिश्रा जी, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमें जी मौका नहीं दिया गया। कोर्ट में तो आपको पूरा मौका मिला, वहां पे भी अगर कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी यानी कि सरकार ने स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया, तो इसको क्या कहेंगे? चलिए आपको संसद में तो आप देख रहे हैं, रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ कोर्ट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बिल्कुल है, इसमें कोई डॉक्टर बोलने नहीं दीजिए, लेकिन ये हुआ जो कि आपका निजी तरीके, मैं देखिए आती हूँ जवाब तो मुझे ले लेने दीजिए, प्रश्न तो मुझसे आपने पूछा है। जी जी देखिए ना, ये जिस तरह से अजय जी अजय जी आप ही जवाब दीजिए, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूँ। ना ना कोर्ट को जवाब देंगे न कमेटी को जवाब देंगे, तो ये जवाबदेह है या नहीं, ये सरकार क्या लोकतंत्र की है या दो लोगों की सरकार चल रही है? ठीक है जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा मिश्रा जी ने, यहाँ बैठे हुए किसी ने या नितिन गडकरी ने की क्षमता नहीं है कि वो पेगासस खरीदने का अनुमति दे दे। अनुमति दो ही आदमी दे सकता है, या तो प्रधानमंत्री दिए हैं या गृह मंत्री दिए हैं, और यदि दोनों ने दिया है, कोई भी दिया है, ये दोनों की मिलीभगत है ताकि लोगों को कहीं ना कहीं जासूसी करके उनका आंकड़ा वो किया जाए और देश को दिग्भ्रमित किया जाए। चुनाव आयोग जैसे संस्था का, चुनाव आयुक्त का उसमें नाम है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार तक का नाम है जिसको जासूसी कराई गई है, जो कि सवाल खड़े करता है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, कि प्रतिवादी यानी कि सरकार ने कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया जो अपने आप में सरकार पर सवाल खड़े करता है, इसे आप कैसे देखेंगे? आपको संसद में विपक्ष ने मौका नहीं दिया, संसद में विपक्ष ने मौका नहीं दिया, लेकिन कोर्ट में किसी ने रोका था क्या? वहाँ पे तो आप सही बात है, देखिए बोल सकते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर में अदालत ने भी स्वीकार किया जो कि हाँ सचमुच में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो सकता है, इस पर हमने स्थगित किया। पहली बात, दूसरी बात आपने पढ़ा नहीं है। नहीं नहीं मैं पढ़ा हूँ, मैं पूरी तरह से पढ़ा हूँ। अभी क्या कोर्ट ने कहा है उसको अजय जी सुनिए, सुना देता हूँ। अजय जी सुनिए, मानना मत कीजिए, नहीं या तो अजय नहीं 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 आप अक्षरता अजय जी सुनाता हूँ अभी आपको, ये है अक्षरता, नहीं नहीं मैं क्या बोला, क्या बोला, एक मिनट सुन लेते हैं, अजय जी सुन लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे। ठीक है अजय जी देखिए ऐसा, नेहा जी मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब अदालत ने ये कहा जो कि क्या आपने निजी मामले में कहीं के भी किसी की टेपिंग या आपने जासूसी करी है, उस समय में हमने एफिडेविट इसलिए नहीं दिया कि जो कि एफिडेविट देने के बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा, ये उचित नहीं था, इसलिए हमने तंत्र में नहीं किया। और हमने जो पहला एफिडेविट दिया था जिसमें ये कहा था कि न्यायालय खुद एक गठित करे, जिस तरह से एक नैरेटिव खुद हो रहा था उसके ऊपर में विराम लगाए, ये स्पष्ट है अजय जी? अभी भी आप हमें बताइए ये स्पष्ट है या नहीं है? देखिए कोर्ट ने क्या कहा है मैं वो भी सुना देता हूँ, आप वही सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है सभी लोग यहाँ समझदार लोग हैं और सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट का एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है। वो कोर्ट के वर्डिंग को ही आप सुन लीजिए, आपको भी लग जाएगा। एक मिनट, नेशनल
कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नाम लेकर के जिस तरह से आप कोर्ट को चाह रहे हैं कि मेयर जो है वो सिर्फ दर्शक बना रहे, ऐसा संभव नहीं है। एसी ऑर्डर सेटिंग अप स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन मिसयूज ऑफ स्पाईवेयर और एम्ब्रेसिंग नेशनल, आपका क्या कहता है, अवॉइड इवेड अवॉइड एंड डाइवर्ट अटेंशन इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इस तरह से आप सारी चीजों को डाइवर्ट दिखावे के लिए नहीं कर सकता, उसके पीछे छुप करके सूडो नेशनलिज्म का आप जो एक रास्ता अपना लिए हैं, दिखावे में सारे अनर्गल और आप भी तो कमेटी गठित करने के लिए तैयार थे, नेशनल सिक्योरिटी का सरकार भी तो कमेटी गठित करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये नौबत आई कि कोर्ट ने कमेटी गठित की है। सर, इस पे हम बातचीत करेंगे, एक और छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। सपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, सवाल आपसे है, निजता पर प्रतिबंध को संवैधानिक परीक्षा कसौटी पर खरा उतरना होगा, इसका क्या मापदंड होंगे, क्या इसके पैमाने होंगे? नेहा जी, एक तो कोर्ट ने आज बड़ा बैलेंस्ड व्यू दिया है कि किसी तरह का कोई बायसनेस या इसमें नहीं आती, बहुत ही अच्छा ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट बी डन बट इट शुड हैव बीन अपीयर टू बी डन, कि जो अगर कोई कोर्ट कोई निर्णय दे तो वो खाली निर्णय नहीं होना चाहिए, वो ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि जस्टिस हुआ है। गवर्नमेंट की साइड से एक प्रपोजल था कोर्ट को, वो कोई भी बेसिस थे, चाहे नेशनल सिक्योरिटी या कुछ भी था, उसके बेसिस के ऊपर कोर्ट को गवर्नमेंट की साइड से एक प्रपोजल था कि हम एक कमेटी का गठन कर देते हैं, जिसको कोर्ट ने नहीं माना कि आप नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने केस में खुद जज नहीं हो सकते। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा ये था, इस क्रक्स यही था। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए वो उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, और उसको देखते हुए अगर 3-4 क्वेश्चंस थे जो कोर्ट आंसर गवर्नमेंट को करने हैं अब इसके अंदर, कि अगर इस तरह से अगर कोई ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा गया या सॉफ्टवेयर का यूज नहीं हुआ तो एक इश्यू वहीं पर खत्म हो गया। दूसरा जो जो एक एक करके जवाब ले लेते हैं। जी, सॉफ्टवेयर खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस पे भी कोई स्पष्टीकरण आप लोगों की तरफ से कोर्ट पे भी नहीं दिया गया। मिश्रा जी, आप लोगों की साइड से, मतलब नहीं नहीं, मिश्रा जी से सवाल है मेरा। अच्छा जी, मिश्रा जी। नेहा जी देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हम सॉफ्टवेयर खरीदे नहीं खरीदे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे बहुत होते हैं। यहाँ चैनल पर बैठे हुए हर चीज राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेके आप बच सकते हैं क्या? नहीं, अब मैं वही चीज आप देखिए नेहा जी, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। कोर्ट ने भी ये माना है, जस्टिस सूर्यकांत जी ने खुद भी कहा है, क्योंकि हाँ ये चीज हो सकता है, लेकिन मात्र उन्होंने ये कहा है, इसके साथ ही ये जोड़ा है, क्योंकि क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर किसी की फोन टेपिंग की है, ये मसला, ये शब्द को थोड़ा सार्वजनिक तौर पे आप नहीं बता सकते, लेकिन बंद लिफाफे में तो दे सकते हैं, वो भी तो नहीं दिया आपने, दिया क्या? लेकिन हम बंद लिफाफे में जब हमने ये कहा जो कमेटी गठित करिए, तो कोर्ट ने माना इस चीज को। सर, आप तो चाहते हैं कि गुनाह भी हम कर दे, जांच भी हमें बिठा दे, पाप साफ भी हमें हो जाए। नहीं, ये कौन सा तरीका किसने किया है, नहीं किया है सर, ये आप थोड़ी जांच करेंगे, आप करेंगे क्या? निश्चित तौर पर जिस तरह से कोर्ट ने जैसे किया है, कमेटी की गठित की गई है, वो सारे लोगों की जांच इस चीज को, तो ये तो आपके लिए झटका है ना, नहीं है? नहीं, कैसे ये कैसे झटका? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार का स्पष्टीकरण के लिए सदन के पटल पर बातें नहीं रख रही थी, जहाँ पर उनके वक्तव्य को फाड़ करके फेंक दिया गया। सरकार तो हर वक्त हमेशा ही इस बात को काम करने के लिए तैयार खड़ी थी। छोटा सा रिएक्शन दीजिए जी,
अजय जी जी देखिए कोर्ट का मैं एक लाइन जरूर सुनाना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस और तीनों की जो कमेटी थी आज इस डिसीजन के साथ साथ अंग्रेजी उपन्यासकार जो आर्वेल हैं उनका हवाला देते हुए कहा आर्वेलियन चिंता जब व्यक्त की है और कहा कि आप कोई बात गुप्त रखना चाहते हैं तो आपको उसे खुद से भी छिपाना चाहिए। गुप्त का मतलब ये नहीं है कि आप जान जाए और बाकी जनता को उसको और बाकी के लिए छुपाएं। ये सच्चाई है और जब व्यक्ति को जासूसी के दायरे में आप लाते हैं और बहुत सारी इसमें लैंडमार्क आज है 21 का हवाला भी दिया गया है निश्चित के उसमें आज इस जजमेंट को पूरा पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के इतिहास के लिए और उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आने वाले फ्यूचर में ये लैंडमार्क अपने आप में साबित होगा ये जजमेंट और ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि किस तरह सरकार ने इस अपने को बचाने का प्रयास किया है चाहे संसद के सामने बचाया या सुप्रीम कोर्ट में बचाने का प्रयास किया। जब भी सुप्रीम कोर्ट या संसद ने कुछ जवाब मांगने का प्रयास किया तो उसे रोकने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताइए प्रदीप जी, दूसरा पॉइंट बताइए। नेहा जी, जो अभी अजय जी ने एक बात बोली है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन नहीं है। वो जॉर्ज ऑरविल की बुक है जो 1984 में पब्लिश हुई थी जिसका एक कोटेशन लिया था उन्होंने कोर्ट ने ये उस बुक में से एक लाइन यूज की है कि इफ यू वॉन्ट ए सीक्रेट इट मस्ट हाइड फ्रॉम योर सेल्फ। ये सेंटेंस मैंने जब मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी शो में बिल्कुल शुरू में उस समय ही बोल दिया था। ठीक है, दूसरा अभी मेरे हिसाब से मेरा हिसाब से आज की डेट में किसी भी कंक्लूजन में आना ये बहुत जल्दी होगा, प्री मेच्योर होगा, क्योंकि जो अजय जी के पास जजमेंट की कॉपी है मैं इनको बता देता हूँ क्योंकि हमने पढ़ी है देखी है इसको सबके पास है, तीन बेसिक इश्यूज हैं जो कोर्ट को बेहतर तरीके से समझते हैं। प्रदीप जी आपसे ही मेरा सवाल है, दूसरा पॉइंट बताइए। नेहा जी इसमें तीन बेसिक इश्यू है जो गवर्नमेंट को आंसर करने हैं जी। उसमें एक ये करना है कि whether Pegasus was used by government agencies or not. One, second कि कोई data interfere हुआ या नहीं हुआ. And third is who are the victims. ये तीन क्वेश्चनों का भी आंसर करना है कोर्ट को. इसके बाद ही कमेटी भी यही क्वेश्चन पूछने वाली है उनसे, क्योंकि कोर्ट की साइड से एक ऑब्जर्वेशन था, एक क्वेश्चन था कि किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले इन तीन चीजों का आंसर हमें करना पड़ेगा। सर ठीक है, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे अभी आंसर पे पहुंचेंगे। कोर्ट में ये कह दिया गया कि आंतरिक सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए हम नहीं कह सकते। संसद में आप नहीं कह सकते क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन अब क्या कमेटी को तो सहयोग किया जाएगा ना मिश्रा जी? बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, देखिए हम हमेशा से ही यहाँ पर सदन में भी हमने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की, हमने अपनी स्पष्टीकरण के लिए इन लोगों से बिल्कुल ऐसे गुजारिश करी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर एक तांडव मचा हुआ था सर, आप जब सत्ता में रहते हैं तो लोकतंत्र का पैमाना अलग हो जाता है, जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो लोकतंत्र का पैमाना अलग होता है सर। 2G पर हंगामा हुआ, फोर्स पर हंगामा हुआ, भ्रष्टाचार पर हंगामा हुआ, पहले हंगामे नहीं होते थे क्या? विपक्ष सभा में होते थे, हंगामे होते थे, मैं मान रहा हूं, लोकतंत्र का पैमाना अलग हो गया क्या? लेकिन शालीनता से ऐसे सदन के पार्लियामेंट को 2012 में ऐसे ऐसे सदन के डेस्क पे जाकर के हम डांस नहीं करते थे वहाँ जाकर के, क्या बात इस तरह से वो पेपर लेकर के लहराए जाते थे, ऐसे हम लोगों ने कभी नहीं किया। तो हमने कभी भी महिला मार्शल के साथ धक्का मुक्की नहीं करी, लेकिन लोगों ने किया क्या? ये अजय जी यहाँ पर देश से माफी मांगेंगे? मिश्रा जी ने बहुत अच्छा कहा, ये डांस नहीं करते थे लोग, नागिन डांस करके पूरा पार्लियामेंट को 2012 में नहीं चलने दिया था। अरुण जेटली जी पार्लियामेंट में ही बोलते थे कि ये लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकार, आप लोगों की तरह डेस्क पर नहीं, आप लोगों की तरह डेस्क पर नहीं। आ गया आपका टाइम बीत गया, लोग देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए अभी मैं तो एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, नागरिक है हमारे वकील साहब, उनकी बात को मैं कहीं ना कहीं आंसर करना चाहता हूं, और हालांकि ये हमारे बस में नहीं है, वो वकील है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि जनता के सामने या दर्शक के सामने बात आए। तीन प्रश्न जो उन्होंने अभी कहा कि कोर्ट ने ही तीन प्रश्न मांगे, इसी छोटे से प्रश्न का उत्तर तो पार्लियामेंट चाहती है। क्या पार्लियामेंट प्रजातंत्र का संस्था नहीं है? सुप्रीम कोर्ट संस्था नहीं है?
चुनाव आयोग का आप जासूसी कराएंगे, उनको प्रधानमंत्री का कोई दूसरा देश जासूसी कराने लगे और या कोई आदमी जासूसी कराने लगे, कोई कंपनी जासूसी कराने लगे, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है? पार्लियामेंट को नहीं पूछना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पूछना चाहिए? वो अपनी रिपोर्ट सौंपे की और निष्पक्ष तौर पर पूरी जाँच होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार। सपुत्र